हेलो एवरीवन, स्पीच राइटिंग देखेंगे हम लोग। अगर आपने एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और एक स्पीच राइटिंग हम लोग और किए थे, उसकी भी लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। एग्जाम स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, आइए देखें। ये क्वेश्चन है, राइट अ स्पीच इन 120-150 वर्ड्स ऑन हजार्डस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टू बी डिलीवर्ड इन द स्पेशल वीकली असेंबली हेल्ड ऑन सैटरडे। शनिवार को आयोजित विशेष साप्ताहिक सभा में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों पर 120 से 150 शब्दों में भाषण लिखें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, टूडे आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन विच इज स्लोली एंड श्योरली कमिंग टूवर्ड्स अस। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपका ध्यान उस विनाश की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो धीरे धीरे और निश्चित रूप से हमारी ओर आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैं ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में बात कर रहा हूँ। सम ऑफ माई फ्रेंड्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेरे कुछ दोस्तों को ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी नहीं हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर अराउंड आवर प्लेनेट। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है हमारे ग्रह के आसपास के वातावरण के तापमान में वृद्धि। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो यह अधिक औद्योगिकरण, अत्यधिक प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण हो रहा है। अर्थ एटमोसफियर इज गेटिंग वार्मर डे बाय डे ड्यू टू हॉट एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स इनटू द एयर। उद्योगों से गर्म उत्सर्जन और हवा में रसायनों के निकलने से पृथ्वी का वातावरण दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के जोखिम क्या हैं। ऑलरेडी द पोलर आइस कैप्स आर ब्रीमिंग टू मेल्ट। तो पहले से ही ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघलने लगी हैं। इट कैन ब्रिंग डिजास्टर टू द वर्ल्ड। यह दुनिया के लिए आपदा ला सकता है। ह्यूज ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स आर श्रिंकिंग। हिमालय के अन्य पहाड़ों में विशाल हिमनद सिकुड़ रहे हैं। दिस विल लीड टू राइज इन लेवल। इससे स्तर में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग विल आल्सो चेंज द वर्ल्ड क्लाइमेट। तो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के क्लाइमेट को बदल देगा। देयर विल बी मोर रेन, फ्लड, कोल्ड एंड अनबियरेबल हीट। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अधिक बारिश, बाढ़, ठंड और असहनीय गर्मी होगी। दीज चेंजेज विल श्योरली ब्रिंग डिजास्टर टू द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ आवर प्लेनेट। तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे ग्रह के वनस्पतियों और जीवों के लिए आपदा लाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस समस्या के बारे में हम क्या कर सकते हैं। इफेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन बाई ऑल टू कंट्रोल पोल्यूशन। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय सभी द्वारा किए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन इंश्योर टू यूज ओनली ईसीओ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो विनिर्माण कंपनियां केवल पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना सुनिश्चित कर सकती हैं। दे शुड अवॉइड यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन दियर प्रोडक्ट्स। तो वे अपने प्रोडक्ट में हार्मफुल पदार्थों का यूज करने से बच सकते हैं। वी कैन इंश्योर टू कीप अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। तो हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण रखना सुनिश्चित करना चाहिए। विथ सच स्टेप्स एंड मोर द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर प्लेनेट कैन बी टैकल्ड। तो इस तरह के कदमों और अधिक से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और हमारे ग्रह पर इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटा जा सकता है। थैंक्स।